बात करें छत्तीसगढ़ के ऐसे नगर जो सदियों से हड़प्पा के सांस्कृतिक विरासत को समेटे, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के न्यायदान क्या है अमर जाति के। सुगंधित दुबराज चावल और हथकरघा उद्योग से निर्मित कोसे की साड़ियों के लिए देश भर में विख्यात बिलासपुर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ की संस्कृति अनेक विविधताओं एवं रंगों को समाहित किए हुए है। बिलासपुर ऐतिहासिक रूप से रतनपुर के कलचुरी राजवंश का भाग था। शहर का मूल रूप 1774 के आसपास मराठा राजवंश के समय आया था। मराठा राजवंश ने ही यहाँ किलों का निर्माण प्रारंभ कराया था, हालांकि वो कभी पूरा नहीं हो सका। फिर 1854 में ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिलासपुर का अधिग्रहण कर लिया। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार इस शहर का नाम बिलासपुर 17वीं शताब्दी की मत्स्य महिला बिलासा के नाम पर पड़ा। और बिलासपुर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह लंबे समय तक मछुआरों की बस्ती रहा है। बिलासपुर का जिले के रूप में गठन 1861 में हुआ तथा बिलासपुर नगर निगम 1867 में अस्तित्व में आया। 1901 में बिलासपुर की जनसंख्या 18,937 थी, जो कि ब्रिटिश राज के केंद्रीय सूबे में 8वीं सबसे बड़ी थी। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी और दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक नगर जिले का मुख्यालय भी है। अरपा नदी के दोनों छोर पर बसे बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय और रेलवे जोन भारत का सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला रेलवे जोन है। इसके साथ ही बिलासपुर में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थित हैं, जिनमें NTPC, SCCL, रेलवे जोन एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख हैं। इन सब के अलावा यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। वर्षा आधारित अरपा नदी इस शहर की जीवन रेखा मानी जाती है, जिसके उद्गम मध्य भारत के मैकल पर्वत श्रेणियों से होता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार यहाँ हर्षोल्लास एवं धर्म निरपेक्ष के रूप में मनाया जाते हैं। स्थानीय पर्व जैसे कि सुवा नित राउत नाच पोला इत्यादि भी बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। बिलासपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो अपने साफ सुथरा और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ शाम के समय आप शहर घूमने का मजा ले सकते हैं। शाम को बिलासपुर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है।
बिलासपुर पर्यटन के लिहाज से संपन्न है, जिसमें विवेकानंद उद्यान, दीनदयाल उद्यान, ऊर्जा पार्क, स्मृति वन, यातायात पार्क, बिलासता, रामकृष्ण आश्रम, अर्प रिवर व्यू, स्मृति वाटिका, काली मंदिर तिफरा, महामाया मंदिर नगोई, तिफरा वाटर पार्क और वंडर वर्ल्ड जैसे खूबसूरत जगह शामिल है। इसके अलावा मंगला चौक स्थित सिटी 36, सत्यम चौक के पास ही बिग बाजार भी स्थित है। कुछ नए मॉल सिटी सेंटर तथा रामा आर्किड मॉल भी है तथा रामा मैग्नेटो मॉल श्रीकांत वर्मा मार्ग में स्थित है। रामा मैग्नेटो मॉल में ही चार पर्द वाला PVR सिनेमाघर भी है। बिलासपुर के आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जिनमें तिपरा सिरगिट्टी तथा सिलपहरी महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग सभी राज्यों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक है और मध्य भारत में चौथा सबसे व्यस्त रेल मार्ग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी, जिसके जरिए आसानी से बिलासपुर पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचने के लिए बिलासपुर से राज्य के लगभग सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए बस सेवाएँ उपलब्ध हैं। अंतर्राज्यीय बस सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से बिलासपुर को जोड़ता है। इसके अलावा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, इलाहाबाद के लिए भी संचालित हो रही है। तो ये था राज्य की खुशबू से आकर्षित करने वाला बिलासपुर जो अर्प के बहते धार के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे अगले वीडियो में भारत के और भी खूबसूरत जगहों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।